कमिंग कमिंग कमिंग, यस यस आइए। चलिए देखिए, जो हम लोग कर रहे हैं इसके पहले के क्लास में, कल के क्लास में आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा टॉपिक चला है, दैट मीन्स कि सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट तक सारी बातें कंप्लीट हो गई थी। ओके, और सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट में हम लोगों ने देखा कि जो सॉयल में वाटर है, तो सॉयल के उस वाटर को यानी रूट हेयर सबसे पहले उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वह दो रास्ते से रूट के जाइलम तक पहुंचाने का काम करता है। यानी एक रास्ता जो होता है वह है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब हुआ कि जिसमें सेल वॉल और सेलुलर स्पेस के मीडियम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और दूसरा है सिम्प्लास्ट यानी सेल के प्रोटोप्लाज्म के थ्रू, यानी वाटर पहले किसी एक सेल के यानी एंडो ये एपिडर्मिस के प्रोटोप्लाज्म में इंटर करेगा, एपिडर्मिस के प्रोटोप्लाज्म से इंटर करेगा कॉर्टेक्स के प्रोटोप्लाज्म में, कॉर्टेक्स के प्रोटोप्लाज्म से इंटर करेगा एंडोडर्मिस के प्रोटोप्लाज्म में, और एंडोडर्मिस के बाद में जो लेयर आता है वह है पेरिसाइकल, और तब पेरिसाइकल के बाद इंटर करता है किसमें, जाइलम में। और प्लांट के रूट के जाइलम से लीफ के जाइलम जो है वो आपस में कनेक्ट होकर के एक कॉलम बनाए रहते हैं, क्योंकि जाइलम के चार एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। तो जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं वो मेन रूप से जाइलम का कॉलम बनाते हैं, यानी जब एक जाइलम में वाटर गया तो रूट जाइलम से वाटर फिर उस कॉलम के थ्रू क्या करेगा, लीफ तक पहुंच जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं वाटर का ये मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहले कि रूट के हेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर एब्जॉर्ब कहां से हुआ है, सॉयल से, तो दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और रूट हेयर से जाइलम तक जो पानी आया, और जाइलम रूट जाइलम से पानी गया लीफ जाइलम तक, दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमारा रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक, और उसके पहले या तो डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू या सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट के थ्रू वाटर जाइलम तक आता है, दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आइए आइए आइए, चलिए अब कुछ कुछ और लिखने का काम कंप्लीट करेंगे फटाफट। कल मैंने डायग्राम बोला था बना के आने को, शो मी योर डायग्राम।
आप लोगों से किसका किसका नहीं बना है खड़े हो जाइए, जिसका नहीं बना है ठीक है आप सेंट से बैठिए खड़े होइए, और किसका नहीं बना चलो खड़े होइए, पूरा नहीं हुआ था ना खड़े हो जाइए, अभी नहीं करना था ना बना के आना था ना, वर्क का मतलब वर्क, हेडिंग दीजिए वाटर मूवमेंट ऑफ, वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, देखिए वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट ये हेडिंग हुआ। वाटर जो है जो अपवर्ड मूवमेंट करता है यानी कि रूट से ग्रेविटेशनल फोर्स के अंगेंस्ट में यानी ग्रेविटी के अंगेंस्ट में लीफ तक जाता है, इसके पीछे जो है वैसे तो तीन अभी फैक्टर पढ़ना ही हम लोगों को, एडिशन फोर्स, कोहेशन फोर्स और टेंसिल, ये सरफेस टेंशन, ये तीन फैक्टर की वजह से प्लांट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंगेंस्ट में यानी कि उतने हाइट को अटेन कर पाता है। लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल जो है वो एक है ट्रांसपायरेशन पुल एंड रूट प्रेशर, रूट के ऊपर प्रेशर होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा, कल भी हम लोग देखे थे कि लीफ से वाटर बाहर रिलीज होगा उतना वाटर को एब्जॉर्ब करने का प्रेशर बढ़ेगा रूट के हेयर पे, क्योंकि वाटर ऊपर से गया है यानी प्लांट के सभी सेल से वाटर जब कम होंगे तो उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से रूट जो है वह वाटर को ज्यादा एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवली नहीं मतलब पैसिवली एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट जो है वह खास करके यहां पर देखो, अगर यह एक प्लांट है और ये प्लांट बेटा एक्टिवली सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन जैसे पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन, जो भी एसेंशियल एलिमेंट है, 17 एसेंशियल एलिमेंट आप लोग जान रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन प्लांट जो करता है जनरली ज्यादातर वह एक्टिव करता है। कैसा एब्जॉर्प्शन, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली प्लांट के सेल में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वह सॉइल के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसे सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है क्योंकि वह अपने सेल के अंदर के सॉल्यूट को कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना चाहता है, नहीं तो सॉल्यूट ज्यादा बाहर अगर सॉइल में आ जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बिगड़ेगा और सेल जो है वह मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो इस वजह से यह ऐसा काम करता है। तो जनरली सॉल्यूट का मूवमेंट एक्टिव एब्जॉर्प्शन से एंड सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर है उसका पैसिव मूवमेंट, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि ज्यादातर वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट के सेल से, तो इसीलिए वह वाटर को ज्यादातर पैसिवली एब्जॉर्ब करता है एंड सॉल्यूट को एक्टिवली। अब इसके लिए, और पानी को कभी प्योर फॉर्म में प्लांट नहीं एब्जॉर्ब करता है, पानी को वह ज्यादातर सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉल्यूशन कहने का मतलब कि ये पानी जो है वह इस सॉल्यूट के साथ मिल करके जाएगा, बस सॉल्यूट जब अंदर जाने लगता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंगेस्ट में होता है तो एटीपी का खर्च कर देता है,
और वाटर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके लिए एटीपी खर्च नहीं करता है। तो इसीलिए वाटर के लिए पैसिवली और सॉल्यूट के लिए एक्टिवली इन जनरल, नॉट ऑलवेज, क्या है जनरली ऐसा करता है प्लांट। लिखेंगे, बैठ जाइए, आप लोग भी उधर के क्लास के भी बैठ जाइए। लिखिए, वाटर हैज टू मूव अप, वाटर हैज टू मूव अप, मूव अलग और अप अलग। वाटर हैज टू मूव अप ए स्टेम एंड लीव्स, वाटर हैज टू मूव अप ए स्टेम एंड लीव्स, मूव अप ए स्टेम एंड लीव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी। लिखेंगे, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पूल, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पूल, ट्रांसपायरेशन पूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे वेरियस मिनरल आयन फ्रॉम सॉइल आर, वेरियस मिनरल आयन फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू, वेरियस मिनरल आयन फ्रॉम सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड into the vascular tissue, actively transported into the vascular tissue of the root, actively transported into vascular tissue of this root तो यहां पर पहला सेंटेंस देखो उसमें क्या लिखा है कि वेरियस मिनरल आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, कैसे एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, तो यानी एटीपी खर्च होगा, क्लियर, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वास्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट कॉमा, वाटर फॉलो, वाटर फॉलो ए फोर डबल एल ओ डब्ल्यू, वाटर फॉलो एंड इंक्रीजेस द प्रेशर, and increases the pressure inside the xylem, water follows and increases the pressure inside the xylem, this positive pressure is called root pressure, this positive pressure is called root pressure, this positive pressure is called root pressure, full stop दीजिए। full stop देखिए, next point लिखेंगे, the effect of root pressure, the effect of root pressure is observed during, the effect of root pressure is absorb during early morning and at night, early morning and at night when transpiration is low, when transpiration is low, to kahan chuta, repeat
द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑब्जॉर्ब ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड एट नाइट व्हेन ट्रांसपायरेशन इज लो। यानी या तो अर्ली मॉर्निंग में हम लोग इसको ऑब्जॉर्ब करते हैं रूट प्रेशर को, या फिर नाइट में ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में अभी फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं होता है, यानी जब तक सनलाइट नहीं आते हैं तब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो या तो एकदम सनलाइट आने के पहले या फिर सनलाइट खत्म होने के बाद, यानी नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में हम लोग रूट प्रेशर को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आइए लिखेंगे, इन मेनी हर्बेसियस प्लांट, इन मेनी हर्बेसियस प्लांट, इन मेनी हर्बेसियस प्लांट ब्रैकेट में टोमैटो, ओक, नॉस्टेरिसियम, NSTU, नॉस्टेरिसियम NSTU RITIUM, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद करके रूट प्रेशर हैज वन मोर इफेक्ट, रूट प्रेशर हैज वन मोर इफेक्ट व्हेन रूट प्रेशर इज हाई एंड ट्रांसपिरेशन इज लो, when root pressure is high and transpiration is low, herbaceous plant may lose a small quantities of excess water, herbaceous plant may lose a small quantity of excess water in the form of drops from the margin of tip or leaves. अब एक चीज बताइए कि डिक्टेट करके लिखाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कंफर्टेबली आवाज आप समझ में आ रही है और लिख रहे हैं ना? ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे एक बार लिखूंगा फिर आप उसको देख के लिखेंगे, उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, तो थोड़ा सा डिक्टेट करके लिखने की आदत ऐसे भी आप डालिए, और थोड़ा थोड़ा स्पीड ठीक है ना, मेंटेन है ना, ज्यादा फास्ट नहीं है ना? ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। क्या लिखे लास्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस? ओके, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ टिप ऑफ लीव्स, फुल स्टॉप देके तो लिखेंगे, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट occurs through a special opening of vein near the tip of grass blade grass blade b l a d e grass
ब्लेड, BLADES, और इसी को कहते हैं हाइडाथोड, दैट इज हाइडा, HYDATHODES। देखिए मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, निमेटोफोर आया था। तो कुछ ऐसे मार्सी प्लांट होते हैं जो पानी के दलदल में रिस्पायरेशन जब रूट नहीं कर पाता है तो अपने रूट को क्या करते हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं। तो वहां पे एक टर्म आया होगा जो पोर होता है, जो रिस्पायरेशन करवाता है यानी गैसेस रिस्पायरेशन कराता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, राइजोफोर। उसको कहते हैं हाइड्राथोड। ये थोड वर्ड जनरली जो होते हैं वह पोर के सेंस में लगाया जाता है। किस लिए? पोर के सेंस में। तो आप देखो यहां पर रात के टाइम पे ट्रांसपायरेशन जो होता है वो बंद हो जाता है, लेकिन पानी का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो जो वाटर है वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में लीफ के ऊपर में क्या होगा? एक्युमुलेट कर जाएगा। और उस वाटर के साथ साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कुछ रहते हैं, सॉल्यूट भी रहेंगे। यानी ये जो वाटर है, इस वाटर के लीफ के टिप पर या यहां पर वाटर के कुछ ड्रॉपलेट एक्युमुलेट हो जाएंगे इस टिप पे, और इस वाटर में थोड़ा सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहेगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो प्योर वाटर का मतलब ऐसा वाटर जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। प्योर वाटर का मतलब कैसा वाटर? कोई सॉल्यूट नहीं है। और आपको अगर कह दें इम्प्योर वाटर, तो ये मत समझना कि ऐसा पानी जो हम पी नहीं सकते हैं। बायोलॉजी में पीने, ड्रिंकिंग वाटर का सेंस नहीं लगा रहा है यहां पर। इम्प्योर वाटर का मतलब इतना समझना कि जब प्योर वाटर में प्योर वाटर प्लस सॉल्यूट, जैसे ही कोई प्योर वाटर में सॉल्यूट आ गया डेट इज क्या हो गया? वह इम्प्योर वाटर हो गया। जैसे आप पढ़ते हो ना फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर, तो फ्रेश वाटर जो आपके नदी नाले का पानी है वो भी फ्रेश वाटर है, लेकिन उसको पी सकते हैं क्या हम? नहीं। तो ये बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग ये सब लिया गया है। दो ही तरह के वाटर है, फ्रेश वाटर और मैरिन वाटर। ठीक, तो फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, चाहे वो पानी कितना भी गंदा हो, तो लेकिन वो क्या कहलाएगा? फ्रेश वाटर ही कहलाएगा। इवन आपके घर के बाहर जो सीवेज वाटर है वो भी फ्रेश वाटर है। और दूसरा मैरिन वाटर, मैरिन वाटर का मतलब समुद्र का पानी। उसी तरह यहां पर ये यहां पर सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के सेंस में यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में जब चलते हैं तो प्योर वाटर का मतलब समझो ऐसा पानी जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, और इम्प्योर वाटर का मतलब जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोई कंपाउंड मिक्स है, तो वैसे ही वो पानी क्या होता है? इम्प्योर वाटर हो जाता है। तो जब इस तरह से वाटर एक्यूमुलेट होते हैं और इस वाटर में कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गटेशन। दैट इज गटेशन। तो ये वाटर कहां से आए हैं? यानी वो पोर यानी ब्लेड से, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइडा थोड। वो चीज लिखे, अब लिखेंगे ये हाइडा थोड, ये हाइडा थोड कंसिस्ट ऑफ ए पोर इन, ए हाइडा थोड कंसिस्ट ऑफ ए पोर इन द एपिडर्मिस, ए हाइडा थोड कंसिस्ट ऑफ ए पोर इन, कंसिस्ट ऑफ ए पोर इन द एपिडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ ए पोर इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस फॉलोड बाय लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, फॉलोड बाय
लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंड लूजली अरेंज पेरेन्काइमा एंड लूजली अरेंज पेरेन्काइमा लूजली अरेंज पेरेन्काइमा कॉल्ड इपीथेम कॉल्ड EPITHEM कॉल्ड एपीथेम कॉल्ड एपीथेम। फुल स्टॉप देके तब लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एग्जुडेशन ऑफ लिक्विड द प्रोसेस ऑफ एग्जुडेशन ऑफ EXUDATION द प्रोसेस ऑफ एग्जुडेशन ऑफ लिक्विड द प्रोसेस ऑफ एग्जुडेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स लिक्विड फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड गटेशन इज कॉल्ड गटेशन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं द प्रोसेस ऑफ एग्जुडेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन। फुल स्टॉप देखे तब लिखेंगे सच लॉस्ट वाटर कंटेन सच लॉस्ट वाटर कंटेन डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच लॉस्ट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। गटेशन जनरली अकर्स एट नाइट एंड अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग गटेशन जनरली अकर्स एट नाइट एंड अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग। इसको बनाएंगे ये डायग्राम को देखिए H2O एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से जो रेड कलर से आप दिखा सकते हैं लीफ के ऊपर कलर चेंज करके यानी लिक्विड ड्रॉप और जो ड्रॉप है उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये प्रोसेस क्या है यानी एग्जुडेशन ऑफ वाटर इसी को क्या कहते हैं गटेशन। दिखा दीजिए एक छोटा सा बना के आप एक लीफ के ऊपर
हो गया बेटा। आपसे पूछ सकता है कि गटेशन में कौन सा वाटर आता है, प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर? कौन सा? क्यों? क्योंकि उस वाटर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, तो जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आए तो वह वाटर कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। अब आप हेडिंग देंगे ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल ये हुआ। चलिए देखिए, ट्रांसपिरेशन पूल यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में होता है, उसके लिए तीन फोर्सेस यहां पर काम करते हैं। एक होता है कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स को ही हम लोग कहते हैं टेंसिल स्ट्रेन, और ये कोहेशन फोर्स का मतलब क्या हुआ कि द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा बेटा? अपनी ओर खींचेगा। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन, अभी नोट डाउन नहीं करेंगे, लिखाऊंगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, तो इसी को कहते हैं हम लोग कोहेशन फोर्स। यानी ये प्लांट है, ठीक है, तो यहां से जब ये रूट का पार्ट है और यहां से समझ लो कि ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और इस प्लांट के इस पार्ट में वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रेवल करने के लिए एक कॉलम बना हुआ है। ये कॉलम जो है वो जाइलम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जाइलम में ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैं, तो जो वेसल्स नाम है उसमें हॉलो स्ट्रक्चर है और उनको सपोर्ट करने के लिए ट्रैकेट्स हैं। तो यहां पर ये जो कॉलम है, यहां से एक जाइलम का कॉलम यानी एक जाइलम का वेसल दूसरे जाइलम के वेसल के साथ अटैच होता है तो कॉलम बनाता है। जब वाटर का ये एक मॉलिक्यूल यहां इस लीफ में यहां खिंचाएगा तो ये क्या करेगा? वाटर के इस दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपनी ओर खींचने का काम करेगा। ये कहेगा तू आ जा मेरे साथ। जैसे आप समझ लो कि जब मार्केट कभी जाना होता है आपको, तो आप मार्केट जाने के पहले अपने कोई क्लोज फ्रेंड से बोलते हो चल ना मार्केट से आते हैं, वो बोला कि नहीं नहीं मुझे काम, अरे चल ना जबरदस्ती लेके चला जाते, क्योंकि आप अकेले नहीं जाना चाहते, कुछ भी परचेज करना हो या कभी कभी कुछ खाने का ही रहा चल ना दोनों को मिल के खा के आते हैं, या मूवी देखना रहा अकेले तो नहीं जाएंगे भाई, किसी ना किसी को तो ले ही के जाएंगे, क्योंकि मूवी में कुछ ऐसे सीन आएंगे जिसको देख के हंसी आना है तो अकेले नहीं हंसेंगे, साथ में मिलके हंसने का बात ही अलग होता है। तो ये जो आपने, वो बेचारा पढ़ना चाहता है, वो बेचारा कुछ और करना चाहता है, लेकिन आपने फोर्सफुली उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने के लिए उसको मजबूर किया है, तो आप तो गए ही साथ में उसको ही पकड़ के लेके गए। तो दैट इज द कोहेशन फोर्स, कि वाटर का एक मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जा रहा है तो वह दूसरे मॉलिक्यूल को भी जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहा है कि अब मैं तो जा रहा हूं तू भी आ जा, तो दैट इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ। दूसरा होता है एडहेशन फोर्स।
अब ये क्या है, तो जो जाइलरी कॉलम है, जाइलरी कॉलम का मतलब जाइलम का कॉलम जिसमें वाटर को ट्रेवल करना है, ये जाइलम के कॉलम वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द पाथवे ऑफ कॉलम या जाइलरी कॉलम। तो जिस पाथवे में वाटर का मॉलिक्यूल को ट्रेवल करना है उस पाथवे का वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन। तो जैसे आप देखो कि दो दोस्त एक ही लॉज में रह रहे हैं और दोनों में बहुत अच्छी घनिष्ठता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत घनिष्ठता रहती है, बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक। तो अगर एक पढ़ रहा है तो दूसरा आपको अगर पढ़ने का मन नहीं है तो वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं उसको देख के मैं भी पढ़ाई स्टार्ट कर लूं, वो ये कोशिश करेगा कि इसको भी न पढ़ने दो, अरे छोड़ ना बाद में पढ़ा जाएगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा देर रुक जाते हैं बात करते हैं। वो बोला नहीं 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 कल कुछ बना के दिखाना या कुछ नोट्स है या कुछ काम करना है, आज पढ़ना जरूरी है। अरे कुछ नहीं होता है, सर को किसी तरह बेवकूफ बना देंगे, चल ना तू। तो वो दूसरे को भी पढ़ने से रोका, क्यों, ऐसा अट्रैक्शन कि जो हम करना चाहते हैं वो दूसरे को भी अपनी ओर खींचे वो करने के लिए, किसी भी जगह किसी भी चीज का। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के एक मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा ऊपर की ओर, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा, जिसके वजह से ये वाटर का अपवर्ड ट्रांसपोर्ट हो पाता है। समझ में आई बात। अब तीसरा जो है वह सरफेस टेंशन है। क्या होता है सरफेस टेंशन केमिस्ट्री में फिजिक्स में, वाटर के मॉलिक्यूल अपने सरफेस एरिया को हमेशा क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं इन लिक्विड फॉर्म में। तो कोई चीज जितना साइज में छोटा होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट क्या होगा, उतना आसान होगा। जैसे एग्जांपल के रूप के आप इस टेबल पे एक गिलास पानी गिरा दो और देखना कि वाटर जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द सरफेस एरिया को कम किया, इसके लिए जो टेंशन लगाता है वो सरफेस टेंशन है। और ये जो टेंडेंसी होती है वो लिक्विड फेज में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसियस फेज से। तो ये तीनों चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन पूल के लिए। समझ में आई बात, लिखेंगे फटाफट। और वह प्लांट में हमारे बॉडी के जैसा ना तो हार्ट है ना सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, पूरे बॉडी में ब्लड दौड़ते रहता है, लेकिन ये काम कराने के लिए क्या है, हार्ट है जो पंप करते रहता है कि तेजी से पंपिंग करेगा ताकि एक प्रेशर डेवलप हो गया जिससे ब्लड कंटिन्यू क्या होते हैं, सर्कुलेट करते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसके पीछे ये सब रीजन है जो अभी आपको बोर्ड पे लिखा है मैंने। लिखेंगे द एब्सेंस ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट, द एब्सेंस ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट, द एब्सेंस ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट, the absence of heart or circulatory system in plant the absence of heart or circulatory system in plant comma the flow of water upward through the flow of water upward through the flow of water upward through through the xylem in plant the flow of water upward through the xylem in plant can achieve fairly high rate up to 15 meter per hour
15 मीटर पर आवर। 1 मीटर में, 1 घंटे में 15 मीटर तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। और उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो कोहेशन फोर्स होते हैं, कोहेशन फोर्स ये बहुत बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए, जो टेंसिल स्ट्रेंथ भी कहलाता है। चलिए पहले लिख लीजिए 15 मीटर पर आवर। लिखेंगे द मॉडल MODL, द मॉडल विच एक्सप्लेन ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, द मॉडल विच एक्सप्लेन ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपारेशन इज नोन एज कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल। उसका उस मॉडल का नाम क्या है? कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल। और इस मॉडल को दिया था किसने? इस मॉडल को दिया था डिक्सन एंड जॉली। लिखेंगे द ट्रांसपारेशन द ट्रांसपारेशन परफॉर्म एसेंट ऑफ सैप depend mainly on the three physical properties of water। अब ये चीज देख लो बेटा, ये मान लो आपको पता ना चल रहा हो एसेंट ऑफ सैप क्या आ गया, तो वाटर का जो मूवमेंट अपवर्ड होता है ना, यानी रूट जाइलम से कहां लीफ जाइलम तक, उसी को क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप या उसी को कहते हैं एसेंट ऑफ जाइलम सैप। क्या कहेंगे? एसेंट ऑफ सैप या एसेंट ऑफ जाइलम सैप। इसीलिए एक बार एसेंट ऑफ सैप डाल दिया सेंटेंस में ताकि आपको यह भी चीज पता चले। अब लिखेंगे तो कितने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे? 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन। तो पहले कोहेशन को लिखेंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, इतना लिख दीजिए काफी है। लिखिए 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 फर्स्ट में डालिए कोहेशन फोर्स, और लिखिए इसके बारे में। कोहेशन फोर्स को ही हम लोग टेंसिल स्ट्रेंथ कहते हैं, ब्रैकेट में डाल दीजिए और लिखिए इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। हो गया। अब आइए सेकंड लिखेंगे, एडिशन फोर्स।
कोहेशन के बाद में एडिशन, एडिशन में लिखेंगे अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, और ब्रैकेट में सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट, ट्रैकरी एलिमेंट यानी ट्रैकेट्स ऑफ जाइलम, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस और ब्रैकेट में ट्रैकरी एलिमेंट। अब आइए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, लिखेंगे वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज, ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द, मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज, मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज, मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन करते हैं लिक्विड फेज में ज्यादा करते हैं, इसीलिए वो सरफेस एरिया को क्या कर लेता है, मिनिमाइज कर लेता है। जैसे आप लोग इतने लोग हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जिससे लड़ाई हुई अगर वो यहां है तो आप किसी दूसरे एरिया में चले जाएंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ गया दोनों के बीच का, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी घनिष्ठता है, बहुत अच्छी मित्रता है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप ऐसी इतनी अच्छी है कि अगर कोई एक बड़ा पाव खाता है तो दूसरे के लिए जरूर दूसरा बड़ा पाव खिलाता है। तो ये क्या हो गया, यानी ज्यादा से ज्यादा आपस में बातें हो, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहे तो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में बैठते हैं, जहां आप बैठते हैं कोशिश करते हैं आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपके बगल में बैठे, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, घट गया, तो दैट इज द सरफेस टेंशन। और ये वाटर के लिक्विड फेज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस फेज में। चलेंगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखेंगे कुछ, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर का जो कोहेशन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज 10-30 मेगा पास्कल एमपीए। हाँ पास्कल, मीटर पास्कल। एनसीईआरटी की बुक देखें उसमें एक डायग्राम है कि नहीं,
पेज नंबर 188, ये डायग्राम जहां पर कोहेशन एडहेशन दिया है उसी में ये डायग्राम है। ये एनाटोमी मैंने डायग्राम पूरा बनवा रखा है, लेकिन कहिए कि एनाटोमी बहुत पुरानी बात हो गई, कितने लोगों के पास एनाटोमी का एना भी नहीं पता होगा या एनाटोमी नोट्स में लिखा हुआ भी नहीं होगा। तो एनाटोमी में पूरा वो डायग्राम मेजोफिल के टॉपिक में यानी लीफ के एनाटोमी में पूरा करा चुके हैं, बट फिर भी आप उसको एक बार इस टॉपिक में यहाँ पर कर लीजिए। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए। पहले एक लाइन एक सेंटेंस और लिख लीजिए, पहले सेंटेंस लिखिए तब स्पेस छोड़िएगा। एक सेंटेंस लिखिए, इन प्लांट कैपिलैरिटी CAPI इनप्लांट कैपिलैरिटी CAPI LARITY कैपिलैरिटी इज इंक्लूड बाय दी स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट TRACHEARY ट्रैकरी एलिमेंट। तो वेसल्स का जो ट्रैकिट्स होता है उसी के स्मॉल एलिमेंट मिल करके और बनाते हैं कैपिलरिटी, और इसी कैपिलरिटी में वाटर का मूवमेंट होता है जिसे वाटर कॉलम भी कहते हैं। और वाटर का मूवमेंट रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक जो होता है उसी को एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, या इसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यहां तक की बात हो गई। नेक्स्ट अब हेडिंग देंगे आप लोग, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हेडिंग देंगे, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद ये लेसन अभी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हेडिंग दीजिए बेटा, फ्लेम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। पहले समझने का कुछ कार्यक्रम करेंगे। यहां पर आप शुरू से जान रहे हो कि वाटर जो है वह ट्रांसपोर्ट करता है, ये जाइलम जो है वह ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर का, और वो भी कैसा, यूनिडायरेक्शनल यानी नीचे से किधर की ओर, ऊपर की ओर, जिसे अपवर्ड कह सकते हैं। लेकिन फ्लोएम जो है वह ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल करता है, यानी फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी, इसलिए उसको यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरह का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करवा सकता है, इसीलिए उसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। अब फ्लोएम जो है वह सिर्फ किसका ट्रांसपोर्टेशन कराता है, तो फूड का, किसका, ओनली फूड का। और जाइलम जो है वो किसका कराता है, तो वाटर का, वाटर में मिनरल्स का, हार्मोन का, ये सारे चीज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है जो लिखवा चुके हैं हम लोग। देखिए पहले यहां समझ लीजिए, यानी कि रूट जाइलम से लीफ जाइलम तक जो मूवमेंट होता है, तो जाइलम के थ्रू मूवमेंट जब भी होगा तो किसका, वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर मिनरल सॉल्ट एंड हार्मोन्स,
ये सारे चीज का, तो मेन रूप से वाटर, और इसी को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्यों? क्योंकि जाइलम का सैप मतलब साइटोप्लाज्म के कंटेंट को बढ़ाता है। पानी जाएगा तो क्या करेगा, बढ़ाएगा ना रे भाई, तो इसीलिए एसेंट ऑफ सैप कहते हैं इसको। और ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दोनों, और ये कैसा है, अपवर्ड होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, अपवर्ड ओनली, यानी कैसा हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब समझे, ये हुआ जाइलम के बारे में इंफॉर्मेशन, यहीं पर एक जगह कर दिए हैं। अब फ्लोएम का, जो फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट होता है फूड का, वो बाई डायरेक्शनल और फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स कौन होगा और सिंक कौन होगा, ये देखिए, मान लीजिए देखिए बेटा, सोर्स टू सिंक कहने का मतलब दो चीज, जो आज के डेट में सोर्स है, हो सकता है दूसरे समय में वह सिंक में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले समझते हैं सोर्स क्या और सिंक क्या। एक तरफ यहां पर सोर्स है और यहां पर यह सिंक है। सोर्स टू सिंक की ओर जो मूवमेंट है, सोर्स का मतलब होता है कि जो किसी चीज को सिंथेसाइज करता है, यानी जहां पे खाना बनते हैं। तो खाना कहां बनता है प्लांट में, लीफ। तो ये हो गया यहां पर लीफ, यानी रेगुलेटिंग सिंथेसाइजिंग जहां पे किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, तो सिंथेसाइजिंग किसको, तो फूड को। चलिए कॉमनली फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं आप। तो वो क्या होता है, सोर्स। तो जहां पे कोई चीज बना वो क्या हुआ, सोर्स। और अब उसको, इस बने हुए खाना को या तो यूटिलाइजेशन के लिए या फिर स्टोर के लिए कहां लाना होगा, रूट तक लाना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक। तो यानी इसमें जनरली क्या हो जाता है, रूट। और इसमें क्यों यहां तक आता है, तो फॉर यूटिलाइजेशन और किसके लिए बेटा, स्टोर करने के लिए। अब ये चीज देख लिए, और ये किसके थ्रू हो रहा है, तो ये भी होता है, ये है फ्लोएम के मदद से हो रहा है। किसके मदद से, ये किस, कौन करता है ये काम, फ्लोएम। और किस चीज का होता है इसमें मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड का, ठीक है। अब एक डायरेक्शन तो आप देख लिए कि सोर्स से सिंक की ओर हो रहा है, यानी ये कैसा हो गया, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब रूट कहां है, नीचे है, और लीफ कहां होगा, ऊपर। अब आइए, ये लिख लिया आप लोगों ने, एक बार इसको फटाक से पहले लिख लीजिए।
वो वाला अभी रुक जाइए, ये हो गया ना, अभी एक डायरेक्शन आपको दिख रहा है, जैसे जाइलम यूनिडायरेक्शनल था और हम ये क्या कह रहे हैं कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। अब ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन आने के पहले, तो जो कार्बोहाइड्रेट या फूड जो स्टोर हुआ है रूट में, अगर उस समय फूड का सिंथेसिस कम हो गया तो वह फूड जो रूट में स्टोर हुआ है वह न्यू बर्ड की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। और बर्ड्स जनरली कहां है, टिप पे, तो टिप ऑफ द बर्ड की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी अब कैसा डायरेक्शन दिखाएगा, वह अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। तो उस समय जो रूट है वो क्या हो जाएगा, सोर्स, और सिंक क्या हो जाएगा, बर्ड्स। तो ये चेंज हो गया काम। जैसे अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर सोर्स और सिंक अब चेंज किया फिर से। अब इस समय यहां पर सोर्स कौन हो गया, रूट, और सिंक, रूट का मतलब ये क्या किया है, स्टोर करके रखा है, और सिंक कौन हो गया, बर्ड हो गए यहां पर। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन अर्ली सीजन, अर्ली स्प्रिंग सीजन, इस बर्ड बर्ड को अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी कहां से लेगा, वो फूड को ब्रेक डाउन करके, तो फूड कहां से आएगा, तो वो फूड जो रूट में स्टोर था उससे ले लेगा वो। तो यहां पर सोर्स टू सिंक चेंज हो गया, मूवमेंट भी चेंज हो गया, यानी इसमें कैसा मूवमेंट, अब अपवर्ड मूवमेंट हो गया। तो ये डायरेक्शन अब चेंज, जहां पर पहले डाउनवर्ड था अब ये डायरेक्शन कैसा हो गया, अपवर्ड। और ये भी किसके थ्रू होगा, तो यह भी फ्लोएम के मदद से होगा, फ्लोएम ही ये काम करेगा। तो इसीलिए ये जो हुआ बाई डायरेक्शनल हुआ, एक डायरेक्शन इधर देख लिए, एक डायरेक्शन इधर देख लिए, एंड दिस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आप जानते हो किसी भी सब्सटेंस का जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, और बाय डायरेक्शनल इसलिए क्योंकि ये अपवर्ड भी करा सकता है, डाउनवर्ड भी करा सकता है, यानी फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो हम वही कह रहे थे कि जो आज के डेट में सोर्स है, हो सकता है कि कल के डेट में सिंक हो जाए, या जो आज सिंक है वो कल होके सोर्स, यहां पर सिंक के रूप में रूट था, आज सोर्स के रूप में भी रूट हो गया, तो चेंज हो सकता है। तो ये क्या हो सकते हैं, एडवर्स हो सकते हैं, यानी जस्ट उल्टा हो सकते हैं। अब बना के दिखाइए इसको, बन गया ये, फटाफट कीजिए इसको।
आ जाओ जल्दी से बनाइए, लिखिए अब इसको, नोट डाउन करेंगे। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सोर्स ब्रैकेट में रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर ब्रैकेट बंद टू द रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन और स्टोरेज और सिंक टू द रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन और स्टोरेज और सिंक। बट सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स क्या हो जाएंगे, वो रिवर्स हो जाएंगे। बट सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स चलिए बाकी सारा चीज हमने आपको इस तरह से समझा दिया। इसमें सारी बातें शॉर्ट में, बहुत लंबा थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हेडिंग देंगे डिप्रेसर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। डिप्रेसर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस हेडिंग देके लिखेंगे। ई मुंच करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, अभी लिखाता हूं, लिखेंगे। It is most accepted mechanism for the translocation of sugar from source to sink is called pressure flow hypothesis ब्रैकेट में proposed by E Munch MUNCH उधर लिखा है, proposed by E Munch लिखेंगे। according to this डैश देके तब लिखेंगे, यानी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या कहता है, तो वही अकॉर्डिंग टू दिस डैश देके ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्लो इन सॉल्यूशन फॉर्म SIEVE फ्लोएम का एलिमेंट होता है, सीव एलिमेंट ब्रैकेट में, सीव एलिमेंट के ब्रैकेट में फ्लोएम कर दीजिए, याद रहेगा, सीव एलिमेंट ब्रैकेट में फ्लोएम। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिकली जेनरेटेड प्रेशर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ
ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक तब लिखेंगे इन प्लांट मेजोफिल सेल सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मेजोफिल कहां से होता है मेजोफिल सेल कहां होता है लीफ में अरे प्लांट के ग्राउंड लीफ का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही क्या है मेजोफिल है एटीएस वीटीएस जीटीएस एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए उसको रिवीजन कीजिए लिखेंगे द मेजोफिल सेल सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट That is glucose. That convert into sucrose. That convert into sucrose. Full stop. देखे. Only few cell away from sieve tube element away from sieve tube element comma therefore this sucrose move into companion cell Therefore, this sucrose move into companion cell, and then into living phloem. कहाँ छुटा? इतना slow क्यों लिखती है? पूछो जल्दी कहाँ छुटा? Then into living phloem. Next लिखेंगे उसी में sieve tube cells. Then into living phloem. Sieve tube cells by active transport. Sieve tube cells by active transport. This process produce hypertonic condition. This process produce hypertonic condition in phloem. फुल स्टॉप देके तब लिखेंगे दिज सीव ट्यूब एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नियर जाइलम एलिमेंट बाय ऑस्मोसिस By osmosis, the osmotic pressure inside sieve tube increases the phloem sap. Increases the phloem sap
move towards the region, phloem sap move towards the region, move towards the region where osmotic pressure is low, where osmotic pressure is low. Usually low osmotic pressure is required to low osmotic pressure is required to be maintained at the sink. Finally, at the sink, sucrose is moved out. Sucrose is moved out of the phloem sap by active transport. By active transport. And these cell uses this energy, and these cell uses this sugar converting into energy, starch or cellulose. As sugar are removed, the osmotic pressure decreases in sieve tube. As sugar are removed, the osmotic pressure decreases in sieve tube element, and water move out of the phloem. Phloem contains sieve tube cell which form long column with their end wall called sieve plate. क्या कहेंगे उसको? सीव प्लेट. पेज नंबर 191. ये डायग्राम बनाना है आपको. दो डायग्राम दिए आपको, अब एक ये डायग्राम लास्ट डायग्राम बनाना है. ओके, एक वो डायग्राम और एक ये डायग्राम. चलिए, अभी कोई डाउट है कहीं पर यहां तक की जो बातें लिखे हैं? कहीं पर कोई क्लियर? अभी जो हम लोगों ने लिखा है कि यानी शुगर का ट्रांसपोर्टेशन किधर से किधर की ओर क्यों होता है,
तो देखिए यहां पर बेटा शुगर बना यानी कार्बोहाइड्रेट बना। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाते हैं सुक्रोज। तीन डाइसैकेराइड मैंने पढ़ाया है आपको, लैक्टोज ठीक है, सुक्रोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मैनोज ग्लूकोज दीज और सार मोनोसैकेराइड, तीन डाइसैकेराइड मैंने बताया है। अच्छा चलिए, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर के बन गया सुक्रोज, और ये जो सुक्रोज जब बनता है तो ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होकर के आता है सीव ट्यूब में, और सीव ट्यूब से कॉम्पेनियन सेल में। तो सुक्रोज का कंसंट्रेशन, अगर सुक्रोज क्या है एक सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट जब आएगा तो ये क्या करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा वाटर को एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब कहां से करेगा, तो अपने नजदीकी जाइलम से। ये यहां पर फ्लोएम है, यहां पर जाइलम है, तो ये जो सेल है फ्लोएम का ये अपने नजदीकी जाइलम से वाटर को लेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गया है ना, यानी सॉल्यूट बढ़ा है तो वो वाटर को लेगा। तो जब वाटर लेता है तो इसी वजह से इस जाइलम में वाटर की जब कमी होती है तो ये अपने बगल वाले जाइलम से वाटर को लेता है। ये एक प्रोसेस है वाटर का नीचे से ऊपर जाना और फूड का ऊपर से नीचे आना। अब जब इसमें वाटर जाएगा तो यहां इसके बगल वाला जो सेल होगा ये क्या करेगा, सीव ट्यूब जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से फिर इसको वाटर लेने के बाद इसको इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो फिर से इसमें आ गया, अब ये फिर से क्या करेगा वाटर को लेगा। तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर आता है और वाटर धीरे धीरे क्या होता है ऊपर की ओर जाता है। और ये जो हाइपोथेसिस जिन्होंने दिया था वो उनका नाम था ई मुंच, और वही क्या है प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल इस पे थोड़ा सा करके और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस। कौन सा चलेसन, फोटोसिंथेसिस सभी लोग पढ़ के आएंगे।